हेलो डिफेंस एक्सपीरियंस तो आज हम फेबरी में हुए अग्निवीर जी डी के पेपर को सॉल्व करेंगे इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसी तैयारी है आपकी आप कमेंट्स में बताना कितने क्वेश्चन सही हुए आपके क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि फ्यूचर में और वीडियो जब डालूंगी आपको पता चल जाएगा चलो आप पेपर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है ऑप्शन ए अप्रैल सेवन ऑप्शन बी मे सेवन ऑप्शन सी जून एट ऑप्शन डी ट्वेंटी जुलाई सही उत्तर है अप्रैल सेवन विश्व स्वास्थ्य दिवस अप्रैल सात को मनाया जाता है नाउ क्वेश्चन नंबर टू नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर नासिक किस नदी के तट पर स्थित है ऑप्शन ए कृष्णा ऑप्शन बी नर्मदा ऑप्शन सी गोदावरी ऑप्शन डी गंगा सही उत्तर है गोदावरी नासिक जो कि गुजरात में है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री नंबर ऑफ कमांड्स इन इंडियन आर्मी भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है ऑप्शन ए बीस ऑप्शन बी सात ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी पाँच सही उत्तर है सात आर्मी में सात कमांड ये हैं नंबर वन सेंट्रल कमांड लखनऊ नंबर टू ईस्टर्न कमांड कोलकाता नंबर थ्री नॉर्दर्न कमांड udhampur number 4 southern command pune number 5 southwestern command jaipur number 6 western command chandimandir number 6 western command number 7 army training command shimla now question number 4 non-cooperation movement was launched by gandhiji in the year असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942 सही उत्तर है 1920 अंग्रेजों की बढ़ती जातियों का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव इंडिया ओनली सेल ट्रेडिंग शिप इज भारत का एकमात्र जल प्रशक्शन जहाज कौन सा है ऑप्शन ए आई एन एस तरंगिनी ऑप्शन बी आई एन एस विराट ऑप्शन सी आई एन एस गरुड़ा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज सही उत्तर है आई एन एस तरंगिनी नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इनमें से कौन सी भारत में सबसे लंबी नदी है ऑप्शन ए गंगा ऑप्शन बी नर्मदा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्रा ऑप्शन डी गोदावरी सही उत्तर है गंगा गंगा भारत में सबसे लंबी नदी है और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन कयक इज अ काइंड ऑफ कयक इनमें से किससे संबंधित है ऑप्शन ए ट्राइबल टूल यानी आदिवासी उपकरण ऑप्शन बी बोट यानी नाव ऑप्शन सी शिप यानी समुद्री जहाज ऑप्शन डी वेपन यानी हथियार सही उत्तर है बोट यानी नाव कयाक एक प्रकार की नाव है जो पतली और छोटी होती है और इसका उपयोग सीमित संख्या के लोग करते हैं अक्सर एक समय में एक ही व्यक्ति नाव क्वेश्चन नंबर एट मलेरिया इज कॉज बाय मलेरिया किसके कारण होता है ऑप्शन ए बैक्टीरिया यानी जीवाण ऑप्शन बी प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोआ ऑप्शन सी वायरस यानी वायरस ऑप्शन डी फंगस यानी कवक सही उत्तर है प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोआ प्लास्मोडियम नाम के पैरासाइट से होने वाली बीमारी है मलेरिया यह मादा एनेस मच्छर के काटने से होता है जो गंदे पानी में पनपते हैं ये मच्छर आमतौर पर सूर्यास्त के बाद काटते हैं मलेरिया के मच्छर रात में ही ज्यादा काटते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड इज फ्लोइंग थ्रू दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है ऑप्शन ए दक्षिण अमरीका ऑप्शन बी उत्तरी अमरीका ऑप्शन सी अफ्रीका ऑप्शन डी यूरोप सही उत्तर है दक्षिण अमरीका दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेज़न दक्षिण अमरीका से बहती है नाउ क्वेश्चन नंबर टेन शेड्यूल दैट डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया इज कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है ऑप्शन ए नाइन्थ ऑप्शन बी इलेवेंथ ऑप्शन सी एर्थ ऑप्शन डी नन ऑफ दीज सही उत्तर है एर्थ नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ऑप्शन बी झारखंड ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ ऑप्शन डी उत्तराखंड सही उत्तर है उत्तराखंड जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है यह अपने बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया सऊदी अरब की मुद्रा क्या है ऑप्शन ए दिनार ऑप्शन बी लीरा ऑप्शन सी रियाल ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है रियाल रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टीन द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित ऑप्शन बी शीला दीक्षित ऑप्शन सी सरोजनी नायडू ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है सरोजनी नायडू सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली और भारतीय राज्य गवर्नर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता था नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस इज सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर हैं ऑप्शन ए सेना कमांडर ऑप्शन बी प्रधानमंत्री ऑप्शन सी रक्षा मंत्री ऑप्शन डी राष्ट्रपति सही उत्तर है राष्ट्रपति सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर है राष्ट्रपति नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉर्ट बिटवीन पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ऑप्शन बी बाबर और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी नादिर शाह और मोहम्मद शाह ऑप्शन डी क्लाइव और सिराजुद्दौला। सही उत्तर है बाबर और इब्राहिम लोदी। सन 1526 में काबुल के तैमूरी शासक जहीरउद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की एक बहुत बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया था नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन नेम एंटी स्टेराइल वाइटामिन बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए ऑप्शन ए वाइटामिन ऑप्शन बी वाइटामिन ऑप्शन सी वाइटामिन के ऑप्शन डी वाइटामिन डी सही उत्तर है विटामिन ई e. बांझ विरोधी विटामिन का नाम विटामिन ई e है नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन रिलेशन बिटवीन वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए ऑप्शन ए डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस ऑप्शन बी डब्लू इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई एस ऑप्शन सी डब्लू इज इक्वल्स टू एफ माइनस एस ऑप्शन डी डब्लू इजिकल्स टू एफ प्लस एस सही उत्तर है w इक्वल्स टू एफ इंटू एस यानी कार्य इज इक्वल्स टू बल इंटू विस्थापन नाउ क्वेश्चन नंबर एटीन विच ऑफ द केमिकल इज ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है ऑप्शन ए क्विनाइन ऑप्शन बी एस्परिन ऑप्शन सी इंसुलिन ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है क्विनाइन कुनाइन रसायन पौधों से प्राप्त होता है कुनाइन एक प्राकृतिक श्रेतलाइन एल्कलॉइड पदार्थ होता है जिसमें ज्वर रोधी मलेरिया रोधी दर्दनाशक एनल सूजन रोधी गुण होते हैं ये दक्षिण अमेरिकी पेड़ सिंकोना पौधा की छल से प्राप्त होता है नाउ क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वट इज मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है ऑप्शन ए हवा की गति ऑप्शन बी बारिश ऑप्शन सी भूकंप ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है अर्थक्विंक भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच गैस इज यूज इन दिपरेशन ऑफ सोडा वाटर कौन सी गैस सोडा वाटर को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है ऑप्शन ए सल्फर ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन डी कार्बन सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है ऑप्शन ए वोल्टीमीटर ऑप्शन बी एमीटर ऑप्शन सी एनिमोमीटर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है एमीटर विद्युत प्रवाह एमीटर से मापा जाता है नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू प्राइमरी कलर्स आर प्रारंभिक रंग हैं। ऑप्शन ए लाल नीला हरा ऑप्शन बी नारंगी नीला पीला ऑप्शन सी लाल नीला पीला ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है लाल नीला हरा प्रारंभिक रंग वे रंग जो किन्हीं अन्य रंगों के मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते प्राथमिक रंग कहलाते हैं प्रारंभिक रंगों के मूल रंग भी कहते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन सी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं जो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। ये उत्पादित ऊर्जा कोशिका द्वारा प्रयोग की जाती है इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी वनमन में से कौन से मनीष शरीर के समन्वय गतिविधियों को नियंत्रित करता है ऑप्शन ए हारमोन्स ऑप्शन बी फोरमैन यानी रूंद ऑप्शन सी ग्लैंड्स। यानी गूंद ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है हार्मोन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव व्हाट इज दर्सेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है ऑप्शन ए ट्वेंटी वन ऑप्शन बी जीरो पॉइंट फाइव ऑप्शन सी जीरो पॉइंट जीरो फोर ऑप्शन डी जीरो पॉइंट नाइन सही उत्तर है जीरो पॉइंट जीरो फोर नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन ह्यूमन बीइंग आर मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ऑप्शन ए ट्वेंटी थ्री ऑप्शन बी थर्टी सिक्स ऑप्शन सी फोर्टी सिक्स ऑप्शन डी फोर्टी एट सही उत्तर है फोर्टी सिक्स नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी इज मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है ऑप्शन ए सिक्स थर्टी नाइन ऑप्शन बी सिक्स ट्वेंटी थ्री ऑप्शन सी सेवन ट्वेंटी ऑप्शन डी सिक्स हंड्रेड सही उत्तर है सिक्स थर्टी नाइन नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन ऑप्शन बी न्यूरॉन ऑप्शन सी नेफ्राइटिस ऑप्शन डी लिम्फ लसिका सही उत्तर है नेफ्रॉन की कार्यात्मक इकाई वह संरचना जो वास्तव में रक्त से अतिरिक्त पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया में मूत्र उत्पन्न करती है नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है ऑप्शन ए एरोबिक यानी वायजीवी जीवी ऑप्शन बी ई कोलाई ऑप्शन सी लेक्टोबेसिलस ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है लेक्टोबेसिलस नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू ट्वेल्व एंड थर्टी एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन नाइन एंड ट्वेंटी फाइव इज बारह और तीस का तीसरा अनुपावक और नौ और पच्चीस के बीच का मध्य अनुपावक कितना होगा ऑप्शन ए टू रेशियो वन ऑप्शन बी फाइव रेशियो वन ऑप्शन सी थ्री रेशियो टू ऑप्शन डी फाइव रेशियो थ्री सही उत्तर है फाइव रेशियो वन इसमें आप देख सकते हैं मैंने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है और इसका आंसर फाइव रेशियो वन कैसे आया है नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इफ थर्टी सिक्स मैन केन डू अ पीस ऑफ वर्क इन ट्वेंटी फाइव आवर्स इन हाउ मैनी वर्क विल फिफ्टीन मैन डू इट यदि छत्तीस पुरुष एक काम पच्चीस घंटे में कर सकते हैं तो पंद्रह पुरुष यह काम कितने घंटे में कर पाएंगे ऑप्शन ए साठ घंटे ऑप्शन बी पचपन घंटे ऑप्शन सी चौसठ घंटे ऑप्शन डी सत्तर घंटे सही उत्तर है साठ घंटे इसमें आप देख सकते हैं कि साठ घंटे कैसे आए नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी टू द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट सेवन नेचुरल नंबर इज पहले सात प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत कितना है ऑप्शन ए दस ऑप्शन बी बीस ऑप्शन सी तीस ऑप्शन डी चालीस सही उत्तर है बीस ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है यह आप देख सकते हैं इसमें यह फॉर्मूला यूज होगा एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री हल करें थ्री फोर्टी थ्री इंटू थ्री फोर्टी थ्री इंटू थ्री फोर्टी थ्री माइनस वन वन थ्री इंटू वन वन थ्री इंटू वन वन थ्री डिवाइडेड बाय थ्री फोर्टी थ्री इंटू थ्री फोर्टी थ्री प्लस थ्री फोर्टी थ्री इंटू वन वन थ्री प्लस वन वन थ्री इंटू वन वन थ्री ऑप्शन ए थ्री फोर्टी ऑप्शन बी थ्री हंड्रेड ऑप्शन सी टू थर्टी ऑप्शन डी टू हंड्रेड सही उत्तर है टू थर्टी आइए देखिए मैंने इसे कैसे सॉल्व किया है नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर द स्पोलिस नंबर एडेड टू 680621 टू मेक द सम अ परफेक्ट स्क्वायर इज 680621 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इसका योग एक पूर्ण वर्ग बने ऑप्शन ए चार ऑप्शन बी पांच ऑप्शन सी ऑप्शन डी आठ सही उत्तर है चार आइए देखिए मैंने इसे कैसे सॉल्व करा है इज नाउ नाइन ईयर ओल्डर देन बी द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज दस वर्षों में ए की उम्र बी की दस वर्ष पूर्व से दोगुनी होगी अगर ए अभी बी से नौ वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान उम्र क्या है ऑप्शन ए नाइनटीन ईयर्स ऑप्शन बी ट्वेंटी नाइन ईयर्स ऑप्शन सी थर्टी नाइन ईयर्स ऑप्शन डी फोर्टी नाइन ईयर्स सही उत्तर है थर्टी नाइन ईयर्स आइए देखिए मैंने इसे कैसे सॉल्व करा है नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम अमंग इनमें से सबसे बड़ी संख्या है अंडर रूट टू रूट थ्री स्क्वाज ऑप्शन ए अंडर रूट टू ऑप्शन बी रूट थ्री स्क्वा ऑप्शन सी रूट फोर स्क्वायर ऑप्शन डी ऑल आर इक्वल सही उत्तर है रूट थ्री स्क्वायर आइए देखिए मैंने इसे कैसे सॉल्व किया है नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन द क्यूब रूट ऑफ नाइन टू सिक्स वन नाइन टू सिक्स वन का क्या होगा ऑप्शन ए ट्वेंटी वन ऑप्शन बी ट्वेंटी टू ऑप्शन सी ट्वेंटी थ्री ऑप्शन डी नन ऑफ दीज सही उत्तर है ट्वेंटी वन आइए देखिए मैंने इसे कैसे सॉल्व करा है नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी एट

सही उत्तर है सिक्स फोर सिक्स डिवाइडेड बाय हंड्रेड आइए देखिए मैंने इसे कैसे सॉल्व किया है नाउ क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन द एच सी एफ ऑफ टू डिवाइडेड बाई थ्री एट डिवाइडेड बाय नाइन सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाई एट्टी वन एंड टेन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सेवन इज टू डिवाइडेड बाई थ्री एट डिवाइडेड बाई नाइन सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाई एटी वन और टेन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सेवन का महत्म संपार है ऑप्शन ए टू डिवाइडेड बाई थ्री ऑप्शन बी टू डिवाइडेड बाई एटी वन ऑप्शन सी वन सिक्सटी डिवाइडेड बाई थ्री ऑप्शन डी वन सिक्सटी डिवाइड बाई एटी वन सही उत्तर है टू डिवाइडेड बाई एटी वन आइए देखिए मैंने इसे कैसे सॉल्व करा है नाउ क्वेश्चन नंबर स्पीड ऑफ वन जीरो एट किलोमीटर पर आर वट डिस्टेंस विल इट कवर इन फिफ्टीन सेकेंड्स एक कार 108 आठ किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो पंद्रह सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी ऑप्शन ए फोर्टी फाइव मीटर ऑप्शन बी फिफ्टी फाइव मीटर ऑप्शन सी फोर फिफ्टी मीटर ऑप्शन डी फोर फिफ्टी फाइव मीटर सही उत्तर है फोर फिफ्टी मीटर आइए देखिए मैंने इसे कैसे सॉल्व करा है नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट एट परसेंट पर एन एम फॉर सिक्स ईयर्स इज हाफ द सम द सम इज किसी राशि पर प्रति वर्ष आठ परसेंट ब्याज की दर छह साल के बाद उस राशि का क्या आधा है वह राशि क्या है ऑप्शन ए फोर्टी एट थाउजेंड ऑप्शन बी सिक्स थाउजेंड ऑप्शन सी एट थाउजेंड ऑप्शन डी डेटा इन एडिक्यूएट सही उत्तर है डेटा इन एडिक्यूएट नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय सेवेंटी फाइव परसेंट देन इट सर्कम विल इंक्रीज बाय अगर एक वत्र की त्रिज्या में सेवेंटी फाइव परसेंट की वृद्धि हुई है तो इसकी परिधि में कितनी वृद्धि होगी ऑप्शन ए ट्वेंटी फाइव ऑप्शन बी फिफ्टी ऑप्शन सी सेवेंटी फाइव ऑप्शन डी हंड्रेड सही उत्तर है सेवेंटी फाइव आइए देखिए मैंने इसे कैसे सॉल्व करा है नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री इफ़ साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू वन देन थीटा इज इक्वल्स टू अगर साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू वन तो थीटा है ऑप्शन ए सिक्सटी ऑप्शन बी थर्टी ऑप्शन सी फोर्टी फाइव ऑप्शन डी नाइन्टी सही उत्तर है फोर्टी फाइव साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है और टेन इक्वल टू वन फोर्टी फाइव पे होता है इसलिए इसका आंसर फोर्टी फाइव होगा नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर कर्ट सर्फेस एरिया ऑफ अ ए एक गोलार्थ का घुमावदार क्षेत्र कितना होता है ऑप्शन ए थ्री पाईआर स्क्वायर ऑप्शन बी टू पाईआर स्क्वायर ऑप्शन सी फोर पाईआर स्क्वायर ऑप्शन डी पाईआर स्क्वायर सही उत्तर है टू पाईआर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉर ग्लोबल वार्मिंग निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक तापमान हेतु उत्तरदायी है ऑप्शन ए ओजोन ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स ऑन वट फैक्टर डज द पिच ऑफ साउंड डिपेंड ध्वनि की पिच किन कारणों पर निर्भर करती है ऑप्शन ए आयाम ऑप्शन बी प्रबलता ऑप्शन सी आवृत्ति ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही उत्तर है स्रोत का कंपन जितनी तेजी से होता है उतनी ही उच्च आवृत्ति होती है और इसके लिए उच्चतर पिच होती है यदि आवृत्ति कम है तो पिच भी घट जाती है प्रति सेकंड होने वाली तरंग चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है इसे एफ से दर्शाया जाता है नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन वट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट सिल्वर तत्व चांदी का प्रतीक क्या है ऑप्शन ए एसआई ऑप्शन बी एजी ऑप्शन सी सी ऑप्शन डी एस सही उत्तर है एजी नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान डैश में है ऑप्शन ए लखनऊ ऑप्शन बी न्यू दिल्ली ऑप्शन सी हैदराबाद ऑप्शन डी भोपाल सही उत्तर है न्यू दिल्ली नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टी हु इज नोन एज द लेडी विद लैम्प द लेडी विद द लैम्प नाम से किसे जाना जाता है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइट ऑप्शन सी सरोजनी नायडू ऑप्शन डी नन ऑफ दीज सही उत्तर है फ्लोरेंस नाइट नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विश्व जंख्या दिवस कब मनाया जाता है ऑप्शन ए टू डिसम्बर ऑप्शन बी टेंथ जुलाई ऑप्शन सी इलेवेंथ जुलाई ऑप्शन डी फिफ्टीन जुलाई सही उत्तर है इलेवेंथ जुलाई